Everyone, welcome to eLearnum. Myself Sakshi Gautam. In this video, I will discuss about coronavirus vaccine. As you all know, there are two major vaccines available in India for the purpose of vaccination against coronavirus. First one is Covishield and second one is Covaxin. Before proceeding with the details of these two vaccines, we first need to understand how we develop immunity. Virus enters the body through direct, indirect, or close contact with infected people through infected secretions such as saliva, respiratory secretion, or their respiratory droplet, which are expelled when an infected person coughs, sneezes, talks, or sings. तो यहाँ पर हमारे दो रूट हैं, एक है हमारा डायरेक्ट रूट और दूसरा हमारा इनडायरेक्ट रूट. तो डायरेक्ट रूट में तो डायरेक्ट हमारा एक्सपोजर हुआ वायरस से और उससे हमें इन्फेक्शन हुआ. इनडायरेक्ट केस में आता है हमारा कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है, टॉकिंग कर रहा है या फिर सिंगिंग कर रहा है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं या उसका सलाइवा है उससे हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं. वायरस एंटर द होस्ट सेल यूजिंग इट्स सरफेस स्पाइक प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ कोरोना वायरस विच बाइंड्स टू द ACE2 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ ह्यूमन सेल थ्रू रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस और एनवलप फ्यूजन पाथवे. तो जो वायरस है वो होस्ट सेल में एंटर होने के लिए अपना स्पाइक प्रोटीन का यूज़ करता है जो कि प्रेजेंट होता है उसके आउटर सर्फेस पे, और जो रिसेप्टर यूज़ करता है वो होता है हमारा ACE2 रिसेप्टर. तो दो पाथवेज होते हैं इसकी एंट्री के लिए ह्यूमन सेल में, एक होता है हमारा रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस पाथवे और दूसरा होता है एनवलप फ्यूजन पाथवे. इन दोनों पाथवे का डिटेल हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं. तो इन दोनों पाथवे से एक पाथवे को यूज़ करके जो वायरस है वो हमारी ह्यूमन सेल में एंटर हो जाएगा. नाउ वायरल RNA genome is released into the cytoplasm. जब वायरस एंटर हो गया तो वो अपने जो RNA genome है उसको रिलीज कर देता है इन द साइटोप्लाज्म. वायरल RNA translated into proteins, then virus assembly take place and finally virus is released outside the cell through exocytosis process. अब जो हमारा RNA genome है उसका प्रोटीन में कन्वर्जन होगा, जब प्रोटीन में कन्वर्ज होगा फिर से यहाँ पे वायरस की असेंबली होगी और मैच्योर virions बनेंगे और लास्ट में वो जो वायरस है हमारा न्यू जो वायरस फॉर्म हुआ है वो अल्टीमेटली रिलीज हो जाएगा आउटसाइड द सेल थ्रू एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस. स्पेशलाइज्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इनवॉल्व द वायरस एंड डिस्प्ले पोर्शन ऑफ इट टू एक्टिवेट टी हेल्पर सेल्स. अब ये वायरस है जो यहाँ पे रिलीज हो गया, अब जब ये दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करेगा उससे पहले जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा. जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हमारी बॉडीज में कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं. तीन टाइप के मेन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं हमारे. फर्स्ट वन इज मैक्रोफेजेस, सेकंड वन इज बी सेल एंड थर्ड वन इज डेंड्रिटिक सेल. तो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस वायरस को क्या करेंगे, इसको पहले पेप्टाइड में कन्वर्ट करेंगे. जब इसको पेप्टाइड में कन्वर्ट करेंगे तो इसका कुछ जो पोर्शन है पेप्टाइड के फॉर्म में इसको प्रेजेंट कर देंगे अपने सरफेस पे. अपने सरफेस पे इसको प्रेजेंट करेंगे तो हमारे जो टी हेल्पर सेल है वो एक्टिवेट हो जाते हैं. टी हेल्पर सेल्स अनेबल अदर इम्यून रिस्पॉन्सेज. बी सेल मेक एंटीबॉडीज डेट कैन ब्लॉक द वायरस फ्रॉम इन्फेक्टिंग सेल्स एज वेल एज मार्क द वायरस फॉर डिस्ट्रक्शन. साइटोटॉक्सिक टी सेल आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स. तो जो हमारा टी हेल्पर सेल यहाँ पे एक्टिवेट हुआ था ये बी सेल को भी एक्टिवेट कर देगा और यहाँ पे साइटोटॉक्सिक टी सेल को भी एक्टिवेट कर देगा. तो जो बी सेल्स बने हैं यहाँ पे वो क्या करेंगे, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगे अगेंस्ट कोरोना वायरस. तो यहाँ पे हमारी बन जाएंगी एंटी कोरोना वायरस एंटीबॉडी. और जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी हमारे इन्फेक्टेड सेल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. नाउ लॉन्ग लिव मेमोरी बी एंड टी सेल डेट रिकॉग्नाइज द वायरस कैन पेट्रोल द बॉडी फॉर मंथ और ईयर्स प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी. अब क्या होगा, हमारी बॉडी में मेमोरी बी और टी सेल डेवलप हो जाएंगे जिससे कि फ्यूचर में जब भी हमें इन्फेक्शन होगा वायरस से तो ये जो मेमोरी बी और टी सेल बने हमारी बॉडी में ये रिकॉग्नाइज कर लेंगे और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे और उस वायरस को किल कर देंगे. इन दिस वे ये हमें एक तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे. दिस इज हाउ वी डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट अ कोरोना वायरस. अब हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन के बारे में. सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वैक्सीन, व्हाई शुड वी नीड टू टेक वैक्सीन शॉट्स. वैक्सीन एम टू एक्सपोज द बॉडी टू एन एंटीजन डेट वॉन्ट कॉज डिजीज बट विल प्रोवोक एन इम्यून रिस्पॉन्स डेट कैन ब्लॉक और किल द वायरस इफ अ पर्सन बिकम इन्फेक्टेड. वैक्सीन का मेन एम यही होता है कि जो उसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट है, यहाँ पर जो हमारा एंटीजन है वो है हमारा कोरोना वायरस, वो
वैक्सीन के अंदर प्रेजेंट है, बट वो जब हमारे बॉडी में जाएगा तो वो हमें डिजीज कॉज नहीं करेगा, बट हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, सो डेट जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जनरेट कर ले, और जब हमें रियल टाइम में इन्फेक्शन होगा इस वायरस का तो वो हमें प्रिवेंट कर पाए बाय किलिंग द वायरस। अब हम देखते हैं सबसे पहले कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में। द CHAdOX1 वेक्टर वॉज डिराइव फ्रॉम द चिंपैंजी एडीनो वायरस Y25। तो इसमें जो एडीनो वायरस यूज़ किया गया है वो एक चिंपैंजी का एडीनो वायरस है, उसकी एक वीक फॉर्म है एडीनो वायरस की। इसको हमने मॉडिफाई किया है और इसको मॉडिफाई करके बनाया हमने CHAdOX1 वायरल वैक्टर। द CHAdOX1 वैक्टर इज रेप्लीकेशन डेफिशियंट एज एन एसेंशियल जीन फॉर वायरल रेप्लीकेशन हैज़ बिन डिलीटेड। तो ये जो हमारा मॉडिफाइड फॉर्म है इस एडीनो वायरस की CHAdOX1 वायरल वैक्टर, इसमें से हमने इसको बनाने के लिए इसमें से जो इसका रेप्लीकेशन वाला जीन है उसको डिलीट कर दिया है। उसको डिलीट करने का रीज़न है कि जब वो वैक्सीन के फॉर्म में हमारी बॉडी में जाएगा तो वो हमें डिजीज़ कॉज नहीं कर पाएगा। CHAdOX1 nCoV-19 इज अ रिकॉम्बिनेंट रेप्लीकेशन डेफिशिएंट चिंपैंजी एडीनो वायरस कैरिंग अ जीन इनकोडिंग द एस प्रोटीन एंटीजन ऑफ SARS-CoV-2। CHAdOX1 nCoV-19 ये फाइनली मॉडिफाइड फॉर्म है जो हमारी वैक्सीन के अंदर प्रेजेंट है, और इसमें क्या है इस फॉर्म में जो हमारा SARS-CoV-2 का एस प्रोटीन है उसका जीन प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसको कैसे किया गया है, कैसे बनाया है। तो ये हमारा SARS-CoV-2 है, इसका हमने जीनोम लिया, इसके जीनोम से हमने रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी यूज़ करी और जो वो वाला जीन इसमें से निकाल लिया जो स्पाइक प्रोटीन के लिए कोड करता है। फिर हमने उसकी जीन की सिक्वेंसिंग कराई, सिक्वेंसिंग कराने के बाद हमने इस एस जीन को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। जब हमने इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दिया तो ये फाइनल फॉर्म है जो हमारी वैक्सीन में प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं CHAdOX1 nCoV-19। द एस प्रोटीन एंटीजन इज एक्सप्रेस्ड वंस द रिकॉम्बिनेंट एडीनो वायरस एंटर द सेल्स ऑफ ए वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल। तो ये वाली जो फॉर्म है ये हमारी वैक्सीन में प्रेजेंट है। अब सपोज हमने कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई, जब हम कोविशील्ड वैक्सीन लगवाएंगे तो हमारी जो ये वाली फॉर्म है ये हमारे सेल्स में जाएगी। जब ये हमारे सेल्स में जाएगी इसके अंदर एस जीन प्रेजेंट है, जब ये एस जीन सेल्स में प्रेजेंट है मतलब ये स्पाइक प्रोटीन को एक्सप्रेस करेगा हमारे सेल्स में। जब स्पाइक प्रोटीन को एक्सप्रेस करेगा बट ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, फॉरेन मटेरियल। जब हमारी बॉडी इसको एज ए फॉरेन मटेरियल देखेगी तो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज। जब हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी और जब हमें रियल टाइम में इन्फेक्शन होगा इन फ्यूचर कभी भी, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी इसके अगेंस्ट। तो इस वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमें रियल SARS-CoV-2 के इन्फेक्शन से बचा पाएगा। दिस इज़ हाउ कोविशील्ड वैक्सीन वर्क इनसाइड अवर बॉडी। अब हम देखते हैं यहाँ पे कोवैक्सीन के बारे में। सो कोरोना वायरस इज ट्रीटेड विद ए केमिकल बीटा प्रोपियोलैक्टिन विच डिसेबल्ड इट बाय बॉन्डिंग टू देयर जीन्स। इसमें क्या किया है, हमने इसमें पूरा का पूरा कोरोना वायरस लिया है और उसको इनएक्टिवेट किया है यूजिंग केमिकल। हमने इसमें केमिकल जो लिया है वो है हमारा बीटा प्रोपियोलैक्टिन। Inactivated virus could no longer replicate, but their proteins including spike remain intact. अब जो हमारा inactivated virus है ये वाला, इसमें क्या जो इसके proteins हैं वो intact रहेंगे। Inactivated virus mixed with tiny amount of aluminium based compound called adjuvant to stimulate immune system to boost its response to a vaccine. तो हमारा जो inactivated virus है इसको हमने adjuvant के साथ mix किया है। तो adjuvant का main काम होता है to generate stronger immune response. Once vaccinated with Covaxin, the immune system respond to this inactivated virus. Suppose हमने Covaxin लगवाया, जब हम Covaxin लगवाएंगे तो उसके अंदर क्या present है, इनएक्टिवेटेड वायरस प्रेजेंट है। जब ये इनएक्टिवेटेड वायरस हमारे सेल्स में एक्सप्रेस होगा तो हमारी बॉडी के लिए क्या है, फॉरेन मटेरियल है, और हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। तो जब हमें रियल टाइम में कभी भी इन्फेक्शन होगा तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है इस वायरस के अगेंस्ट, तो इस वजह से वो हमें प्रोटेक्ट कर पाएगी रियल SARS-CoV-2 के इन्फेक्शन से। दिस इज़ हाउ कोवैक्सीन वैक्सीन वर्क्स इनसाइड अवर बॉडी। अब हम कंपैरिजन देखेंगे कोवैक्सीन का और कोविशील्ड का। तो कोवैक्सीन के जो डेवलपर है वो है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड इन एसोसिएशन विद ICMR और NIV।
ICMR is Indian Council of Medical Research और NIVI is National Institute of Virology. और कोविशील्ड के डेवलपर है ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका. मैन्युफैक्चरर कोवैक्सीन के केस में है हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और कोविशील्ड के केस में है पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. अब टाइप ऑफ वैक्सीन. कोवैक्सीन जो है वो इनएक्टिवेटेड टाइप की वैक्सीन है और जो कोविशील्ड है वो एक वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है. मेडिसिनल नेम क्या है. कोवैक्सीन का मेडिसिनल नेम है होल वीरियन इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस वैक्सीन और कोविशील्ड का मेडिसिनल नेम है CHAD-OX1 nCoV-19 कोरोना वायरस वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट. रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे यूज इसलिए हुआ है क्योंकि एक इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है. सेल लाइन जो कोवैक्सीन के लिए यूज हुई है वो है वीरो सेल लाइन और जो कोविशील्ड के लिए यूज की है वो है T-Rex 293. ये जो ड्राइव की गई है ये ड्राइव की है HEK-293 सेल लाइन से. कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों का ही केस में एक डोज में 0.5 ml प्रेजेंट है और एक वाइल में दोनों के ही केस में 5 ml प्रेजेंट है. तो मतलब एक डोज के लिए अगर 0.5 ml है तो 5 ml में कितना होगा 10 doses होंगी. और कोवैक्सीन के केस में डोज अगर फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में जो गैप होना चाहिए वो हमारा है 28 days और कोविशील्ड के केस में फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में जो गैप होना चाहिए वो है 4 to 6 weeks. कोवैक्सीन के केस में जो एफिकेसी है वो है 80.1% और कोविशील्ड के केस में है 70.4%. दोनों के ही केस में जो स्टोरेज है वो है 2 to 8 degrees centigrade और मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के ही केस में है इंट्रामस्कुलर वैक्सीन. अप्रूवल फॉर यूज़. कोवैक्सीन के लिए यह है रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़ और कोविशील्ड जो है वो कंडीशनल अप्रूवल. अब इनका थर्ड फेज ट्रायल का स्टेटस क्या है. जो कोवैक्सीन है वो 22,500 वॉलंटियर्स पे हुआ है इसका थर्ड फेज का ट्रायल और कोविशील्ड के केस में ये 1,600 वॉलंटियर्स पे हुआ है लेकिन दोनों का ही डाटा अभी तक पब्लिकली अवेलेबल नहीं हुआ है. नाउ क्वेश्चन इज हु शुड नॉट टेक वैक्सीन शॉट. कोवैक्सीन के केस में अगर किसी को एलर्जी का प्रॉब्लम है या फिर कोई ब्लीडिंग का डिसऑर्डर है. कोविशील्ड के केस में अगर किसी को एलर्जी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या फिर जो वैक्सीन के इंग्रेडिएंट है उसमें से किसी भी कंपोनेंट से उनको एलर्जी है या फिर कोई ऑलरेडी मेडिसिन ले रहा है किसी और चीज़ की और डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद उसको डॉक्टर ने मना किया है. और यहाँ पर कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जिस केसेस में वैक्सीन के शॉट्स नहीं लेने चाहिए. लाइक रिसीव अनदर COVID-19 वैक्सीन. सपोज तुमने फर्स्ट डोज में लिया है कोवैक्सीन तो सेकंड डोज में भी हमें कोवैक्सीन ही लेनी है और फर्स्ट डोज में अगर कोविशील्ड लिया तो सेकंड डोज में भी हमें कोविशील्ड ही लेनी है. ये नहीं कि फर्स्ट डोज में कोवैक्सीन ले लिया और सेकंड डोज में हम कोविशील्ड के ले जाएं और वाइस वर्सा. अगर वैक्सीन लेने के बाद किसी को कुछ सीरियस हेल्थ इश्यू हो रहा है उस केस में भी वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए या फिर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है मतलब उसका इम्यूनिटी वीक है या फिर कोई ऐसी मेडिसिन खा रहा है जिससे डायरेक्टली उसका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो रहा है या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनको भी वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए. दीज आर द रेफरेंसेज ऑफ रिसर्च पेपर और आर्टिकल्स फ्रॉम विच आई हैव टेकन इन्फॉर्मेशन फॉर दिस वीडियो. थैंक यू. मैं हूँ एंजाइम तो आप है सबस्ट्रेट. मैं हूँ एंजाइम तो आप है सबस्ट्रेट. CSIR को पाने में अब ना होगा लेट. एक्टिवेशन एनर्जी कम करके कर दूंगा मैं एक्टिवेट. प्रोडक्ट बनके आप सपने लेना लपेट. मैं पढ़ाऊंगा सारे यूनिट स्मार्टली और इफिशियंटली जिससे आप क्रैक कर पाएंगे CSIR 2021 को क्विकली एंड कॉन्फिडेंटली. मेरे कोर्सेज शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी प्लस से 7 दिसंबर में और पाइए हर महीने 2 नए कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी प्लस पे. जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी प्लस पे और पाइए अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, ऑर्गेनाइज नोट्स, रिकॉर्डिंग्स, डाउट सेशंस, स्मार्ट कोड्स एंड एनालॉजीज का पावर बूस्टर सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में ही. तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करना ना भूले. इंस्टॉल करिए लर्निंग ऐप एंड जुड़ जाइए मेरे साथ और मेरे प्रोफाइल पे जाके सारे इन्फॉर्मेशन को देख लीजिए. यूज करिए रेफरल कोड विरिन और विरिन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट. चलिए मिलके करते हैं आपके सपने को पूरा सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में. जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी प्लस पे. लेट्स क्रैक इट.